हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इग्नू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपसे इग्नू की न्यू मार्कशीट के रिलेटेड बात करने वाले हैं और आपको इस इग्नू मार्कशीट के इन्वेल्प में क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम आपको इस मार्कशीट में जो मार्क्स दिए गए हैं उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ जुड़े रहें जिससे आपको इस सभी की जानकारी मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे दो मार्कशीट दिखाई दे रही हैं और ये दोनों मार्कशीट जो हैं अभी सील्ड हैं और देखते हैं इस मार्कशीट के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास ये फर्स्ट मार्कशीट आ चुकी है। फर्स्ट मार्कशीट को ओपन कर रहे हैं तो ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ जो स्कोर कार्ड जो है मार्कशीट का मिल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में देखते हैं आपके सामने यहाँ पे एक जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इशू किया गया है। उसी तरह से हम दूसरा भी जल्दी से ओपन करते हैं। हमने दूसरी भी ओपन कर ली है। ओपन करने पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक मार्कशीट दिखाई दे रही है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू किया गया है। ये दोनों कैंडिडेट्स का यहाँ पे हमारे पास मार्कशीट ली गई है तो आप देख सकते हैं। और देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस आया, जो पहली मार्कशीट और इस वाली मार्कशीट में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट के बारे में कि हमारे पास जो मार्कशीट जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें आपके पहले सबसे पहले तो यहाँ पे आपका नेम और साथ में रोल नंबर दिया गया होगा, पूरा का पूरा यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ होगा। उसी तरह से यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर जो है कब ये हमारे पास जो रिजल्ट हुआ, हमारे पास जो फाइनल जब पूरी के पूरी जो मार्क्स जो अपडेट हो गए थे हमारे, तो उनका स्टेटस जो यहाँ पे लिखा जाता है 24/11/2021 का ये मार्कशीट है तो आप देख सकते हैं। और ये जून 2021 का सेशन है इसमें। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ये आपके सामने यहाँ पे कोर्स कोड दिए गए हैं, उसी तरह से असाइनमेंट जो मार्क्स दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट जो सेकंड है यहाँ पे वैसे की वैसा जो यहाँ पे होगा वो यहीं पे इसका जो ड्यूटी कॉपी यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास असाइनमेंट थर्ड होती नहीं है तो हमारे पास कंप्लीट जो यहाँ पे मार्क्स हुए थे वो यहाँ पे ही अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ ग्रेडिंग दी जाती है, आप देख सकते हैं। जो अगर आपको एवरीवेशन नहीं आ रही समझ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके एवरीवेशन यूज़ जो की गई हैं वो सारी यहाँ मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेटेज जो आपकी कितनी आ रही है, जैसे 20 है, 22, 21, ये किस तरह से निकाला गया अभी हम आपको निकाल के बताते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास TEE जो प्रोजेक्ट जो हमारे पास मार्क्स हैं वो यहाँ पे दिए गए, ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से निकलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ओवरऑल जो मार्क्स हमारे पास कितने आए हैं स्टूडेंट के, वो यहाँ से काउंट किए जाते हैं, यही आपके जो मार्क्स होते हैं। और टोटल मार्क्स में से आपको ये टोटल मार्क्स कितने ऑब्टेंड हुए ये लिखा जाता है। तो मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं 800 में से हमारे पास 561 जो इस कैंडिडेट के आए हैं और हमारे पास 70.13 जो यहाँ पे परसेंटेज आ रही है उस कैंडिडेट की। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास ग्रेड दिए जाते हैं कि आपका कौन सा ग्रेड आया, तो आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट के सारे बी ग्रेड हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो क्रेडिट है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैंडिडेट से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। उसी तरह से सेम केस यहाँ पे हम सेकंड ले लेते हैं इस कैंडिडेट की भी, और इसी का भी यहाँ पे सक्सेसफुली जो है हमारे पास लिखा गया है कंप्लीटेड। तो ये दो कैंडिडेट अलग अलग के थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसमें भी आपका नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इनरोलमेंट नंबर और कौन सी मास्टर डिग्री थी आपका यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और जो आप देख सकते हैं जो ये नंबर दिया प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे भी आपके सामने ऊपर जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर है और मार्कशीट पे, और यही प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे और यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप ध्यान से देखें प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर, आप भूल जाएंगे अगर बाई चांस आपका कहीं मिसप्लेस हो जाता है तो आप ये बता सकते हैं इग्नू वालों को कि ये हमारा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि ये हमारे पास इस साल की जो मार्कशीट है और पहले मार्कशीट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस आया है। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास पुरानी मार्कशीट भी ले ली हमने एक कैंडिडेट की, तो ये इसी कैंडिडेट की है। आप देख सकते हैं नेम सेम डाला गया है क्योंकि इन्होंने दो तीन जो है मास्टर डिग्री अपनी की हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो मार्क्स दिए गए हैं और यहाँ पे आपके सामने कुछ भी जो डिफरेंस नहीं किया गया इसमें, और सिर्फ डिफरेंस यही है कि आपका यहाँ पे क्योंकि इस बार कोविड पर जो है फर्स्ट ईयर जो ईयर के स्टूडेंट थे उनका जो एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर के जितने भी मार्क्स होंगे उसके डॉलर का साइन दिखाई दे रहा है। तो डॉलर का साइन क्या है, सबसे पहले तो आप देख लेंगे मार्कशीट के नीचे यहाँ पे डॉलर के साइन के लिए लिखा गया है यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन डेटेड 10/12/2020 रिगार्डिंग प्रमोशन एग्जेम्पशंस एज पर 75th मीटिंग ऑफ द एकेडमिक काउंसिल जो डिसीजन डेटेड 18/11/2020 में जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो डेट आपके सामने मेंशन की है उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो प्रमोशन जो होगी या एग्जेम्पशन की जाएगी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और ये 75th जो मीटिंग हुई थी एकेडमिक काउंसिल की उसमें ये सारा डिसाइड किया गया था। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहली वाली मार्कशीट में ऐसा नहीं था क्योंकि उस समय कोविड नहीं था, तो यहाँ पे उन्होंने कोई भी डॉलर साइन नहीं लगाया गया। अब आप समझ चुके होंगे कि डॉलर साइन क्या है और डॉलर साइन क्यों लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये 68 जो मार्क्स हमारे पास जो आए किस तरह से आए हैं, जो हमारे असेसमेंट के हैं 68 68 68 68 यानी
फर्स्ट ईयर के सभी मार्क्स जो हैं वो सिमिलर यहाँ पे काउंट किए गए हैं, और किस तरह से 68 मार्क्स आएंगे ये भी हम आपको अभी नेक्स्ट बताने वाले हैं। तो चलिए हम पहले तो देखते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो कैसे हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने हमारे पास ये सेकंड मार्कशीट जो है कैंडिडेट की है। इस कैंडिडेट ने बोला था कि मुझे अपने मार्क्स निकाल के बताइए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे असेसमेंट मार्क्स हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो असेसमेंट मार्क्स होते हैं वो 30% के हिसाब से लिए जाते हैं, और जो हमारे पास एग्जामिनेशन मार्क्स होते हैं वो 70% के हिसाब से होते हैं। तो टोटल जो हमारे पास 100% के हिसाब से होंगे। तो आप देखेंगे हमारे पास इस कैंडिडेट के जो हैं 67 मार्क्स आए हैं फर्स्ट असेसमेंट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो 67 के हिसाब से हम करेंगे, 30% के हिसाब से निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा 20.10% के हिसाब से आएगा। तो हमारे पास जब मार्क्स निकालेंगे तो हमारे पास 20 मार्क्स लिखा जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली अगर यहाँ पॉइंट के आगे आपके 5 आता, 6 आता, 60 आता, 70 आता, कुछ भी आता, तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेटली डाल देते हैं। उसी तरह से हमारे पास सेकंड में देखते हैं, हमारे पास अगर हमारे पास 69 आ रहे हैं तो 30% के हिसाब से करेंगे तो हमारे पास आएगा 120.70 आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 70 है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ पे 21 मार्क्स इसके शो होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 मार्क्स डाले गए हैं। तो इसी तरह से आपको सभी के सभी मार्क्स निकालने हैं, और इसी तरह से आपने निकालने हैं अगर आप जो है कैंडिडेट जो है आप अपना एग्जामिनेशन मार्क्स देखना चाहता है कि कितने हमारे पास 70% के हिसाब से हैं। तो इसी के बाद आप क्या करेंगे, 67 को 70 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास जो मार्क्स हैं वो 42.70 मार्क्स आएंगे, यानी कि 42.70 का मतलब 43 मार्क्स आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 43, यहाँ 43, यहाँ 43 और यहाँ 43, ये इसलिए सेम आ रहे हैं क्योंकि आपको पता ही है यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो है आपको एक नोटिफिकेशन निकाला गया था कि जितने हमारे पास असेसमेंट के मार्क्स होंगे और जितने हमारे पास जो हमारे पास एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे उनको काउंट करके आपके पास यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे 620 और 43 दोनों को प्लस किया, जो पहले 20 था आपके पास पहले जो असेसमेंट का, और आपके पास 43 जो इस मार्क्स के हैं 70 के हिसाब से, वो टोटल आपके पास 63 मार्क्स आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 63 आ चुके हैं। और ये सेम क्यों है, ये क्यों नोटिफिकेशन के मुताबिक जो अगर एक मार्क्स जो है अगर 62 आ रहा है तो सेम चारों के चार, अगर पांच पेपर हैं, जितने पेपर हैं उन सभी का जो है सेम मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो हमारे पास असेसमेंट के मार्क्स और यहाँ पे जो फाइनल 62 यहाँ पे लिए गए हैं ये सेम आ रहे हैं। और जब सेकेंड ईयर हुआ बच्चे का तो यहाँ 82 मार्क्स जो इंटरनल असेसमेंट के थे, और जो 64 जो मार्क्स उसने यहाँ पे 100 में से लिए, तो 64 यहाँ पे हमारे पास 60, यहाँ 64, 64 और 60, ये उनके मार्क्स जो है हमारे पास 100 में से जो उसने एग्जाम दिया होगा उसके हिसाब से। और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे 50 के मार्क्स के हिसाब से किया गया। देखो यहाँ पे 64 है, 64 का जो हमारे पास 30% निकाला होगा 24 निकला होगा, और हमारे उसके बाद हमारे पास 70 का हिसाब से निकाला होगा तो 45 है। तो हम ज्वाइन करेंगे तो 69 जो टोटल आना चाहिए, पर हमें यहाँ पे 50 मार्क्स का ये पेपर था, तो हमारे पास 69 का जो हाफ करेंगे अगर तो हमारे पास पॉइंट में आएगा, तो इसलिए हमारे पास 34 पॉइंट कुछ था, तो इसीलिए 35 यहाँ पे दिया गया है। उसी तरह से यहाँ पे भी 25 और 45 है, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास 70 आता है। तो 70 करने के बाद जो हमारे पास 50%, क्योंकि आपको 50 का ये मार्क्स का पेपर है तो आपको 50 करना पड़ेगा, तो 50% करने के बाद आपके पास 35 मार्क्स आपके पास यहाँ काउंट होंगे। इन सभी को काउंट करेंगे तो आपके पास 531 मार्क्स आ रहे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ परसेंटेज जो है 66.38 है, यानी कि आपके पास यहाँ पे 66% आएगी आपकी, क्योंकि अगर यहाँ से पॉइंट से ज़्यादा होता तो हमारे पास यहाँ पे हम बोल सकते थे 67 आ सकती है, पर जिस कैंडिडेट की 66% आई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से हम अपने मार्क्स को चेक कर सकते हैं, और आपके जो इग्नो में किस तरह से जो है न्यू मार्कशीट में कुछ साइन दिए गए हैं, जो डॉलर साइन है उसका क्या जो है इंडिकेशन है, तो आपको ये बता दिया गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही था, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।